हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वेलकम माय न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग सभी को, क्योंकि अभी सुबह सुबह के 8 बजा है और मैं ड्यूटी पर आ गया हूँ। दोस्तों, मेरा ड्यूटी स्टार्ट हो गया है और आज भी मेरा ड्यूटी कीमैन का है। देखिए, गला में GPS टंगा हुआ है, ठीक है। और आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि जिन भाई का नंबर कम आ रहा है, आंसर की तो आ गया है 2-3 दिन पहले, और वो अपना नंबर वो मिलाए हैं, आंसर की से मिलाए हैं कि मेरा 50 से कम आ रहा है, चाहे 50 से ऊपर आ रहा है, चाहे 60 आ रहा है, तो सोच रहे होंगे कि PT की तैयारी करें कि नहीं करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, थोड़ा देर के बाद थोड़ा ड्यूटी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप सबको पूरा डिटेल से बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। आधा ड्यूटी कंप्लीट हो गया है दोस्तों, और चलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं और जिनका नंबर 50+ आ रहा है, चाहे 50 से कम आ रहा है, वो सोच रहे होंगे कि PT की तैयारी करें कि नहीं करें, डाउट में होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों कि PT की तैयारी करिए चाहे नहीं करिए। जिन भाई का नंबर कम आ रहा है और जिन भाई का नंबर ज़्यादा आ रहा है, जैसे 60+ आ रहा है, चाहे 70+ आ रहा है, तो उनको तो घबराने की कोई बात नहीं है, उनका तो फिक्स है कि रिजल्ट होगा ही। और जिन भाई का नंबर जैसे 50 से कम आ रहा है, चाहे 50+ आ रहा है, उनके लिए ख़ास तौर से मैं बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये वैकेंसी जो ग्रुप डी का जो आप एग्ज़ाम दिए हैं, ये वैकेंसी लगभग 1-1.5-2 साल पुराना है, और इतना 2 साल के दौरान कितना स्टूडेंट का किसी में हो गया है, चाहे नहीं हुआ है, कमाने के लिए दूसरा बिजनेस कर लिया है, कितना छोड़ दिया है, ये हो गया। और साथ साथ में NTPC का भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें से 50% लड़का तो NTPC में भी भरा होगा और उसमें भी रिजल्ट हुआ होगा, और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दिया है। जिन भाई का, चाहे जिन कैंडिडेट का नंबर कम आ रहा है, वो घबराइए बिल्कुल भी नहीं, PT की तैयारी एकदम जोर शोर से तैयारी करिए, ठीक है। जो कैंडिडेट NTPC का एग्ज़ाम दे दिया है और NTPC में हो गया है, और अभी फाइनल नहीं हुआ है लेकिन होगा, अगर फाइनल हो गया, जिस कैंडिडेट का NTPC में पूरा फाइनल हो गया, तो वो ग्रुप डी में क्यों आना चाहेगा? ग्रुप डी तो छोड़ ही देगा, और ग्रुप डी में भी उनका रिजल्ट हो गया, जैसे 70+ हो गया, अगर मेरिट उडिट बन जाता है, ग्रुप डी में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है और NTPC में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो वो ग्रुप अथी NTPC छोड़ के ग्रुप डी में आना नहीं चाहेगा, ठीक है। वो तो NTPC का ही करेगा ज्वाइनिंग। तो इसीलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि इसमें से जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम पड़ा है, उसमें 50% लड़का NTPC में भी भरा है और एग्ज़ाम दिया है, और जिनको NTPC में हो जाएगा, वो ग्रुप डी में नहीं आएगा, तो ग्रुप डी का वैकेंसी खाली रहेगा और उसका लेवल कमेगा, रिजल्ट तो और कम पे ही जाएगा। जैसे 50 है, चाहे 50+ आ रहा है, तो उतना पे भी जा सकता है। और एक फंडा ये भी है कि जिनका नंबर कम रहा, जैसे 50 आ रहा है, तो 50 में जब नॉर्मलाइजेशन होता है, तो किसी किसी का 20 नंबर बढ़ जाता है, 30 नंबर बढ़ जाता है, 10 नंबर बढ़ जाता है। जैसे आपका नंबर 50 आ रहा है,
और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें 10 नंबर चाहे 15 नंबर 20 नंबर 30 नंबर बढ़ता है। तो 50 मान लीजिए 50 आ रहा है, तो 15 अगर बढ़ा तो 65 हो गया, तो रिजल्ट तो ऐसे ही हो गया आपको। इसीलिए जिनका नंबर कम आ रहा है चाहे जिनका नंबर ज़्यादा आ रहा है, सब पीटी की तैयारी करिए, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और किसी भाई का नंबर भी कम आ रहा है और उनका पीटी भी अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं है, जैसे कोई कोई मोटे होते हैं उनको दौड़ा नहीं जाता है, उनको दिक्कत होता है, हमें भी दिक्कत हुआ था, लेकिन 1 किलोमीटर दौड़ना आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए पीटी को आसान में मत लीजिए, पीटी की तैयारी करिए। नंबर कम भी आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर पीटी की तैयारी करिए, इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है, रिजल्ट होगा, ठीक है। नहीं होगा तो शरीर तो फिट रहेगा ना भाई, 1 महीना चाहे 1.5 महीना आप दौड़ते हैं सुबह सुबह, तो उसमें आपका कोई घाटा घाटा होने की कोई बात नहीं है, उसमें फ़ायदा ही होगा आपको, शरीर फिट रहेगा, तंदुरुस्त रहिएगा। और मान लीजिए रिजल्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, रिजल्ट तो होगा ही, घबराइए नहीं। जिनका 50 आ रहा है चाहे 50 से कम आ रहा है, घबराइए नहीं, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन के बाद भी नंबर बढ़ता है, ठीक है। और जिनका नंबर ज़्यादा आ रहा है उनको तो एकदम मन तन धन से एकदम लग जाइए, और जिनका नंबर कम आ रहा है वो भी पूरी अच्छी तरह से तैयारी करिए, घबराइए नहीं, होगा ज़रूर होगा, ठीक है। और जो जिनका शरीर भारी भर कम है मोटा है, वो तो रिजल्ट हो चाहे ना हो सुबह सुबह ज़रूर दौड़िए, ठीक है। इसके बाद भी वैकेंसी आने वाला है, इसमें कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन पक्का होगा, इसीलिए तैयारी अभी से करना जारी रखिए, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बनाएं थोड़ा हेल्प करिए और बताइए, उसी हिसाब से मैं भी आप सबको वीडियो लाता रहूँगा और बताता रहूँगा, ठीक है। जब तक के लिए बाय दोस्तों, और जय हिंद। Thank you.